आप भी चाहते हैं भारतीय टीम पहले T20 मुकाबले में वेस्ट इंडीज टीम को हराए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं भारतीय टीम ने वनडे सीरीज में शानदार जीत हासिल कर वेस्ट इंडीज टीम के परखच्चे उड़ाकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली थी। वहीं अब टीम इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में T20 मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा करके वेस्ट इंडीज टीम को खाली हाथ घर भेजना चाहती है, जिसके लिए रोहित शर्मा ने T20 मुकाबले के लिए सिर्फ खतरनाक खिलाड़ियों को ही मौका दिया है। वहीं अब कुछ ही समय में कोलकाता के इंडियन गार्डन में पहला T20 मुकाबला खेला जाना है। दोस्तों बताएंगे आपको पूरी खबर कि इस महामुकाबले को कितने बजे और आप कहां देख सकते हैं, साथ ही साथ इस महामुकाबले के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने किन किन खतरनाक खिलाड़ियों को मौका दिया है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताएं रोहित शर्मा और केयरन पोलार्ड में से कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और नतीजा टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज टीम को वनडे मुकाबले में एक भी मुकाबला जीतने नहीं दिया और पूरी तरह से वेस्ट इंडीज टीम का 3-0 से सुपड़ा साफ कर दिया। अब इसी शानदार प्रदर्शन को रोहित शर्मा बरकरार रखना चाहते हैं और T20 मुकाबले को जीतकर आने वाले वर्ल्ड कप की तैयारी करना चाहते हैं, इसलिए रोहित शर्मा पहला मुकाबला जीतने के लिए खतरनाक प्लेइंग 11 बनाई है। आपको बता दें टीम इंडिया के उपकप्तान लोकेश राहुल के चोटिल होने की वजह से वे इस मुकाबले से बाहर हो गए हैं। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा ओपनिंग की जिम्मेदारी खुद के साथ साथ ऋतुराज गायकवाड़ को ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ अभी शानदार फॉर्म में है और रोहित शर्मा के साथ मिलकर टीम इंडिया को एक अच्छी शुरुआत दिला सकते हैं। वहीं तीसरे नंबर पर विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए आएंगे, जबकि चौथे नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और पांचवें नंबर पर सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी करने उतरेंगे, जबकि दीपक हुड्डा को एक ऑलराउंडर के तौर पर नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आएंगे, क्योंकि दीपक हुड्डा स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं और वही स्पिन गेंदबाजी में ही युजवेंद्र चहल को मौका दिया गया है, जबकि तेज गेंदबाजी में शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल और दीपक चहर को मौका दिया गया है। वही दोस्तों आप इस मुकाबले को शाम 7:30 बजे से स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार पर देख सकते हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं क्या भारतीय टीम पहले T20 मुकाबले में वेस्ट इंडीज को हरा पाएगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।